नेता तो अनेक होते हैं, लेकिन असली नेता वही होता है जो जनता के बीच अपने काम से जाना जाए, जिसने संघर्ष और अपनी इच्छा शक्ति से सभी नेताओं में एक अलग मकाम बनाया हो। और ऐसे ही एक नेता थे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा का जन्म आज के पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के बाद दो बार विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। साफ जाहिर है कि राजनीतिक माहौल में ढलने के कारण छोटे प्रणब को राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी भी होने लगी और उनका असली राजनीतिक करियर 1969-1969 में शुरू हुआ, जब वह राज्यसभा के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर वे चार बार रहे और इसी दौरान तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी भी हो गए और उनके राजकाल में काफ़ी अहम मंत्रालय भी संभाले। लेकिन राजीव गांधी की जब सरकार बनी तो उस दौरान उनसे कुछ मनमुटाव हुए और वो कांग्रेस से किनारा करके अपनी एक अलग पार्टी बनाई। हालांकि कुछ सालों बाद वह फिर से कांग्रेस में वापस आ गए और इस बार वह एक नए तरीके से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। जब कांग्रेस के कमान किसी के पास नहीं था तब वही थे जिन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहा। और ऐसा भी कहते हैं कि सोनिया गांधी के वह मेंटर थे। आज सोनिया गांधी जो राजनीतिक जो जानती हैं वह उनके उनको सिखाने वाले प्रणब दा ही थे। मतलब एक समय ऐसा था कि सोनिया गांधी बिना प्रणब दा के सलाह मशवरे के कोई काम नहीं करती थी। 2012 में प्रणब दा राष्ट्रपति चुने गए और 2019 में उन्हें भारत रत्न मिला। लेकिन 2004 के जब लोकसभा चुनाव हुए तब प्रणब दा प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन वह नहीं बन सके। इसका कारण स्पष्ट नहीं है और उनके जगह पर प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कांग्रेस में उस टाइम सबसे बड़ा कद रखने वाला कोई नेता था तो वह प्रणब दा ही थे। और अगर प्रणब दा भारत के प्रधानमंत्री बने होते तो शायद भारत आज विकास के क्षेत्र में काफ़ी आगे होता, क्योंकि उनका अनुभव उनकी जो शिक्षा थी उत्तम दर्जे की थी। आज उनका जाना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम और हमारे टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। और उनके जैसे नेता बहुत भारत को कम मिलते हैं। अपने 40 साल के राजनीतिक सफर में उन्होंने अनेक मकाम हासिल की जो बहुत कम नेता हासिल करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारी तरफ से फिर से एक बार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।